आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी शानदार संघर्ष की झलक। की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। आज के इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी रोशन सिंह को। उनका जन्म 22 जनवरी 1892 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। पहाड़ तक भी कांपने लगे तेरे जुनून से, तू आसमां पे इनकलाब लिख दे अपने खून से। रोशन सिंह आर्य समाज से जुड़े थे। वे अचूक निशानेबाज और अच्छे पहलवान थे। जब अंग्रेजों ने नवंबर 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्वयं सेवक कोर पर प्रतिबंध लगाया, तो रोशन सिंह ने शाहजहांपुर जिले से बरेली क्षेत्र तक स्वयं सेवकों की टुकड़ी का नेतृत्व किया। अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 वर्ष के सश्रम कारावास पर बरेली के केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद रोशन सिंह रामप्रसाद बिस्मिल से मिले और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA में शामिल हो गए। वहां रोशन सिंह को एसोसिएशन के युवाओं को निशानेबाजी सिखाने का कार्य सौंपा गया। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। बामरौली में HRA क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से धनी लोगों से वसूली के लिए सशस्त्र कार्रवाई करती थी। 25 दिसंबर 1924 को HRA ने महाजन बलदेव प्रसाद के घर पर हमला किया। रोशन सिंह ने इस कार्यवाही में प्रमुख भूमिका निभाई। बाद में रोशन सिंह को HRA के अन्य सदस्यों के साथ काकोरी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। रोशन सिंह ने इलाहाबाद की नैनी जेल से अपने रिश्तेदार हुकुम सिंह को पत्र लिखा। मनुष्य का जीवन भगवान की श्रेष्ठ रचना है और मैंने इस रचना के लिए बलिदान देकर ये सिद्ध किया है। मैं अपने गांव नवादा का पहला व्यक्ति हूँ जिसने आप सबको, अपने भाई बहनों को गौरवान्वित किया है। इस नश्वर मानव शरीर के लिए पश्चाताप क्यों करना, किसी न किसी दिन तो ये समाप्त होना ही है। मैं प्रसन्न हूँ कि अंतिम क्षणों में ध्यान लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर रहा हूँ। मैं जानता हूं कि जो अपना कर्तव्य निभाते हैं या धर्म के लिए आत्मत्याग करते हैं उसे सदा के लिए मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आपको मेरी मृत्यु के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भगवान की गोद में शांतिपूर्वक सोने जा रहा हूं। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए। महान स्वाधीनता सेनानियों को आकाशवाणी का शत शत नमन। ओ मोरा पुनर दे, ओ मोर सिकुनी दे, एने खन खुवला, एने खन खुवला, एने खन मरमदे। हम आज स्वाधीनता सेनानी और लेखक तरुण राम फुकन का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 22 जनवरी 1877 को असम के गुवाहाटी में हुआ था। देश के लिए असीम प्रेम के लिए उन्हें आदर के साथ असम का देशभक्त कहा जाता है। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान स्वाधीनता आंदोलन तेज हुआ, तो उन्होंने वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने असम में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1921 में महात्मा गांधी ने असम की यात्रा की और गुवाहाटी के भरालूमुख में ठहरे। फुकन गांधी जी के विश्वस्त सहयोगी थे। उन्होंने विदेशी वस्त्रोदाह यज्ञ भी किया और उसके साथ विदेशी चीजों की होली जलाई। जब अंग्रेजों ने कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित किया तो फुकन को गिरफ्तार कर लिया गया। वे नवंबर 1922 तक जेल में रहे। ओ मोरा पुनर्दे।
असमिया साहित्य में योगदान के लिए फुकन को 1927 में ग्वालपाड़ा सत्र में असम साहित्य सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। फुकन समाज के वंचित वर्गों के शैक्षिक उत्थान सहित अनेक सामाजिक कार्यों में भी शामिल रहे। उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन और स्त्री पुरुष बराबरी के लिए भी संघर्ष किया। वे महिलाओं से राष्ट्रीय कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा करते थे। उन्होंने असम में खादी और अन्य स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को लोकप्रिय बनाया। तरुण राम फुकन 28 जुलाई 1939 को मृत्यु तक राष्ट्रीय हित के कार्यों में संलग्न रहे। भारत माता के इस सपूत को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।